इस हलके दे एमपी साहब सरदार जसवीर सिंह डिंपा जी, इस हलके दे एमएलए साहब राणा गुरजीत सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह केपी जी सबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबका एमपी सबका मंत्री साहब, श्री मोहम्मद सदीक जी एमपी साहब, साढ़े सत्कारयोग चौधरी संतोख सिंह जी एमपी साहब, मेरे वड्डे भी राजकुमार वीरका जी एमएलए साहब, नवतेज सिंह चीमा जी एमएलए साहब, बलविंदर सिंह धालीवाल जी, सुखपाल सिंह खहरा जी, हरजोत कमल जी, बलविंदर लाडी जी, संतोख सिंह भलाईपुर जी, जोगिंदर सिंह मान जी, श्रीमती दीप्ति उब्बल जी, ते साढ़े इत्थे दे एसएसपी ते होर सारे अफसर साहिबान, मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट दे अडिशनल चीफ सैकटरी संजय जी, जिन्हां ने बड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट नूं इत्थे लेके आंदा है, साढ़े बराड़ मैडम साढ़े भैन जी जिहड़े डायरैक्टर है साढ़े टूरिज्म दे, जिन्हां ने बड़ी मेहनत कीती है इस प्रोजेक्ट दे विच। अज मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुख सेवादार दा अहुदा संभालण तो पहलां दे नाल लगदी पहली बार अपने लई चानण मुनारा डॉक्टर अंबेडकर जी का म्यूजियम का उद्घाटन करन दा माण प्राप्त कर रहा। अंबेडकर साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस तो सानू प्रेरणा मिलती है कि तुसी किसी भी गरीब लताड़े होए कजही जी हालत विच भी पैदा हो तुसी शिखर ते पहुंच सकदे। जरूरी नहीं थानू बहुत चंगा एनवायरनमेंट मिले अगे बढ़ने वास्ते, संघर्ष दृढ़ता निष्ठा होनी चाहिए है अगे बढ़ने लई, ते तुसी अगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल गरीब परिवार च पैदा होके उन्होंने शिखर की पढ़ाई की थी। और सब तो बड़ी गल है कि अखीर तक पढ़ते रहे अपने जीवन के, अपने आप को स्ट्रेंथन करना लगातार जारी रखना चाहिए। नौजवान वीर मेरे भैन इतने बैठिया है, बच्चे बैठे है, इन्हों करके मैं एक दो गल्लां करनियां चाहुंदा। जद असी अंबेडकर साहब वालू देखते हैं तो सानू यह सोच मिलती है जिहड़ा उन्होंने कहा कि पढ़ो जोड़ो तो संघर्ष करो। जिंदगी दे विच अगे वधण वास्ते लगातार अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना जरूरी है, जिस तरह उन्होंने किया है। उन्होंने हालात जिस तरीके दे सीगे उदों तां मतलब ये कि थोड़ू पानी नहीं थी खूह तो भरन देंदे, दूर ही बैठना पैंदा सी। जे कोई वड्डा बंदा आ रहा है तां थोड़ू पासे होना पैंदा सी, नहीं तां फिर कोड़े खाने पैंदे सी। ऊच नीचता का इन्ना प्रभाव सी, अज तो उन्हां दी देन है और डेमोक्रेसी की देन है। जवाहर लाल नहरू वर्गी चंगी सोच वर्गे बंदियां दी देन है उन्हां दे नाल कि अज असी किस तरीके दे नाल कट्ठे बैठे एक गुलदस्ता बनी बैठे हैं। असी उदों नहीं सी, लेकिन उन्हां हालातों विच भी अगे वधे। हालात कहे जे भी होण, थोनू एक टीचा बना के अगे बढ़ना पेगा, तुसी बढ़ोगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होती है। हौसले रखने पैणगे नौजवानों नूं अगे बढ़ने वास्ते।
मैं भी इसी तरह पढ़िया इन्हां नूं देख देख के। मेरे पास भी इन्ने साधन नहीं सी, लेकिन मैं पढ़िया है और अज तक पढ़ रहे हैं। अपने आप नूं हर रोज कोशिश करदा कि अपने आप नूं स्ट्रेंथन करा, ताकत लेके आवां अपने आप च। खाली दिमागी जिस्मानी हर तरह की कोशिश तुहानूं करदे रहना पवेगा। जब मैं पढ़न जांदा सी तां मैनूं पहला बापू दे नाल टेंट लाउण जाना पैंदा सी सवेरे सवेरे, फिर स्कूल जांदा सी मैं या कॉलेज। जब मैं कॉलेज विच सी तां दो मझां दा टोका एक हफ्ते दा करके रख के जाना पैंदा सी घर, जिहड़ा बाद दे विच चलदा सी ते अगले हफ्ते फिर आके करना है। ये मेहनत लगातार इस तरह इन्हां हालातों चो भी तुसीं अगे निकल सकदे हो। मैं उन्हां नौजवानों नूं उन्हां नूं कहना चाहुंदा हां कि तुसीं हालातों चो अगे वध सकदे हो, तुहाडा टीचा होना चाहिए। मेरी स्कूल दे विच कदे फीस नहीं लगी, पहला तो रिजर्वेशन करके माफ हुंदी सी। उस तो बाद मैं खेलन लग गया कॉलेज दे विच, मैं सिर्फ एक बार फीस दित्ती है। उस तो बाद स्पोर्ट्स बेस ते मेरी एडमिशन रही है, 26 रुपये मेरी टोटल फीस लगती सी साल दी। फीस भी फ्री ते कपड़े भी फ्री, 150 रुपया मैनू नाल कॉलेज स्टाइपेंड दिंदा सी पढ़न दा उहनां दे कॉलेज दे विच। 150 रुपये दे नाल ही मैं अपना खर्चा करदा सी। मैं अपने मापिआं ते फिर कदे पैसा नहीं लिया जब मैं 10वीं क्रॉस कर गया। फिर वजीफे पर कम चलिया, वजीफा खेडां दा, उहदे नाल पढ़दा सी। मैं हैंडबॉल खेडता रहा, 3 बार ऐसी गोल्ड मैडल जीतिया हैंडबॉल दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी तो। पहला मैं बीए की, फिर लॉ कर लिया। जब मैं पहली बार एमएलए बनया तो मैं एमबीए की पीटीयू, मैं इनका स्टूडेंट भी हाँ। जब मैं दूसरी बार एमएलए बनया तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो एमए की पोलीटिकल साइंस की। जिस दिन टिकटां वंडनियां सी, देखो तुसीं हैरानी दी गल, उधर टिकटां वंडने दी मीटिंग होनी सी, उधर मेरा पेपर सीगा। मैं कहा जी मैं तां पेपर जाना है। कहिंदे कल नूं मीटिंग है, नहीं मिस कर सकता। मैं कहा पेपर भी नहीं मिस कर सकता। किन्नी ग्रेटनेस है राहुल गांधी दी। कहिंदे मेरा जहाज ले जा, मैं उन्हां दे जहाज पर आ गया। मेरा भी निश्चा सी, उहदी भी दयालता सी कि मैनूं जहाज देता अपना। मैं उहनां दे जहाज पर आके अपने टीचर नूं उत्थी बुलाया। रस्ते विच असीं पढ़दे आए, सवेरे पेपर दित्ता, सारी रात सुत्ता नहीं पेपर दे के मैं फिर मुड़ गया, एमए पास हो गया। हुण मैं PhD कर रहा, ते उह भी पंजाब यूनिवर्सिटी तो, इंडियन नैशनल कांग्रेस ते कर रहा। रात मैं 2 बजे वेला होया, 2 तो 3 अपने टीचर दे नाल बैठे हैं, क्योंकि मैं किसी तरह भी दिसंबर दे विच अपना थीसिस सबमिट करना है। सो जब तुसी निश्चा करोगे तां जरूर तरक्की मिलेगी, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो नौजवान दोस्तों, आज थोनू जॉब मिली है, ये कोई आखिरी जॉब नहीं है जी। अज 15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार दी मिली है, तरक्की करो। और बहुत दुनिया पई है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। थोनू लगातार अपने आप नू बिल्ड करना है। जेडे अज कलर्क लगे हैं, मेरा भाई मनमोहन सिंह वो लग्या सी जेई, ओवरसीर कहिंदे सी उदों, डिप्लोमा करके। उस तो बाद उन्हें नौकरी दे विच डिग्री कीती, फिर बीए कीती, फिर लॉ कीता, फिर इंजीनियरिंग दी बड़ी डिग्री कीती, इंजीनियर इन चीफ हुण ओह रिटायर होया। मतलब सब तो छोटी पौड़ी तो उतर के सब तो लास्ट पौड़ी ते गया है।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ 1:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਸੰਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਡੀਕ ਰਹੇ ਭਾਂਡੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਣਾਓ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾਓ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਏਕੜ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਦੂਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਐਂਬਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, IIM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅੰਬੇਦਕਰ ਥਾਟਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਬਲੋਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲੋਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ
परमात्मा ने मेरे हाथ से ही कम कराना होया तो बड़ी छेती असी नींह पत्थर रखना वा राणा जी, ये जरूर करांगे। एक साढ़े पास बिल्डिंग पड़ी है, क्योंकि मैनू गुरु नानक साहब जी का 550वां जन्म दिहाड़ा मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ड्यूटी लगाई सी कि तुसीं ये काम सांभो, तो मैं इस गल की खुशी है कि वर्ल्ड वाइड इस गल की प्रशंसा हुई कि पंजाब सरकार ने जो गुरु नानक साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया, जन्म साल मनाया, बहुत जबरदस्त उसकी शोभा चारे पास सरकार को मिली। उत्थे साड़ी एक बिल्डिंग पई है, उहदे विच एक सुल्तानपुर रोधी असी एक ITI कॉलेज खोलांगे, ये भी मैं ऐलान करके जा रहा। तो बड़ी छेती असी इस साल तो क्लासा शुरू कर देने, तुहानू बधाई होवे इस चीज़ की। भुलथ दे विच एक ब्लॉक दे विच असी एक ITI खोलनी है, उहदे ते 11 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया लगेगा। तो असी वह भी भुलथ दे MLA साहब बैठे हैं, इन्हों मैं बेनती करना कि सानू जगह दस दो, जगह तुसी देनी है, पैसे असी लावांगे। राणा जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग आगू है, अगाह बधू है, इन्हों की सोच है, एक विजन है, मैं उसका सत्कार करना। इन्होंने मैं कहा कपूरथले वास्ते 10 करोड़ रुपया कपूरथले के शहर में असी देवे, इन्हों मूरे थान सिट देना, जिथे जिथे सुहा के जड़ा जड़ा कुछ पाना पा लवे। एक 4 करोड़ रुपया इन्हों चाहिए, कुछ तारा शिफ्ट करनी है, वह भी इन्हों पास पहुँचेगा। सो एक विजन दे नाल, एक सोच दे नाल, अगाह वधू सोच दे नाल पंजाब नूं अगे लेके जाना है। मेरे पास रोड मैप है, मैनू इस गल की मैं तैयारी करदा, बड़ी देर हो गई है कि किस तरीके दे नाल पंजाब नूं अगे वधाउणा है। लेकिन पंजाब नूं जिहड़ी अजोकां चिंबड़ियां भी हैं कि किसी दफ्तर जाओ कहिंदा जी अखां कहिंदे नूं झाकी जांदा जद तक थले टेबल के थले पैसे नहीं मिल जाते, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होनी मेरे, ये नहीं हो सकता, यू खत्म कर दाँगा पंजाब चो। मैनू जिन्ना क टाइम मिले है तुसी ये देख लियो कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा काम, प्यार नाल ही करावगा। मैं म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान सी, उस तो बाद मैं MLA भी रह लिया, मंत्री भी रह लिया, हुण तुसी मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन वह मैं सब तो अच्छा पीरियड लगता सी कि नेड़े होकर लोगों की सेवा करनी दे। ते कमेटियां दे विच 22% कमीशन, मैं क्या ये गल बर्दाश्त नहीं होनी है। मैं बड़ा जोर लाया कि काम खत्म होवे, लेकिन ये नैक्सिस इन्ना तकड़ा बनया होया कि तोड़ना बड़ा औखा, एक प्रधान वधे बस च नहीं सी। मैं उदों सोचिया सी, मैं बहुत घट करता सी, वो गल नहीं लंबी सुनावांगा कि मैं उन्होंने कहता सी कि नहीं इस तरह नहीं चलना। एक ऐसी कूड़ा सुटने वाले डंप नहीं पे होंगे, हूँ ये अखबारों वास्ते नहीं है गल, थोड़े नाल ऐसे हाल के कर रहा, वो डंप खरीदने से वो, मैं क्या यार ये तो बड़े महंगे लगा रहे हो। मैं क्या ठेकेदार का टैलीफोन बनाओ, मैं ठेकेदार नूं कहा, मैं क्या यार इन्ने दे नहीं पैसे, सानू तो इन्ने दे मिलते है। कहिंदा जी देता इन्ने दे दूंगा, जिन्हें तुहानू मिला के दिता जिहड़े थोड़े नाल ईओ बैठा है इहनू कह दो। मैं स्पीकर लगाया होया सी ऐ करके, वो कहिंदा मैं जहर खा लेणगे मेरे बच्चे, तो प्रधान जी जो कहिंदे उही करदा। ये सोच हो भी है कि जे उपर दे पैसे नहीं लैंदे तो जहर खाने वाला काम हो गया। तनखाह नूं कुछ समझते नहीं कई लोग, बहुत लोग ईमानदार है पंजाब दे विच, बहुत जनता ईमानदार है, बहुत अफसर ईमानदार है। किसी एक फील्ड दे विच जे तुसी कहो सारे माड़े ये नहीं हो सकते, जे तुसी कहो सारे चंगे ये नहीं हो सकते, हर फील्ड दे विच, हर जाति दे विच, हर धर्म दे विच चंगे भी लोग बहुत ज़्यादा है, माड़े भी बहुत ज़्यादा है, कईयां च बहुत घट है। लेकिन करप्शन ये बर्दाश्त नहीं होनी पंजाब दे विच, जद तक मैं या मैं हट जाऊँगा या करप्शन हट जाएगी, दोनों जो एक चीज़ हटेगी। इहदे वास्ते नौजवानों नूं मेरा साथ देना पैना है, नौजवान अगे आवे, जिहड़ा बंदा पैसे मंगदा है ना उहनूं फड़ के खड़ जाओ उस टाइम, मैनूं टैलीफोन करो, मेरा टैलीफोन खुल है, मैनूं उत्थे भी आना पै गया तां आ जाऊँगा। हुण क्या करिया होया कि जी मैं कई बंदियां नूं फड़ाउण दी कोशिश करी,
मैं कह यार इन्हों फड़ाओ, बंदे ने तंग करिया वा। विजिलेंस वाले कहिंदे जी पहला साढ़े पास ऑडियो प्रूफ चाहिए जी कोई, फिर इन्हों फड़ांगे। हुण ऑडियो प्रूफ अगला दिंदा तुहानू? कहिंदे जी उदों मोबाइल पर कॉल करो, कॉल करो, पैसे मंगे, फिर साढ़े पास सबूत आऊगा, फिर असीं खोलांगे। ये सब मिले हुए सी ये लोग, ये हैगे है, इन्हां नू खत्म करना इस चीज़ चों। तुसी पंजाब दे लोग खत्म करनगे, मैं नहीं कल्ला कर सकदा, पंजाब दे लोगों नू उठना पएगा। ये जिहड़े सानू जोगां चिंबड़ियां, इन्हां नू खत्म करना है। उहदे वास्ते पंजाब दा नौजवान अगे आवे तां ये खत्म होएगी। नौजवानी दे विच क्रांति हुंदी है। वह भगत सिंह दी फोटो नू देखदा है। मैं हुण भगत सिंह जी दे जाके पैरी हथ लगा के आया, मत्था टेक के आया, झुक के। जिहड़े मुंडे दे कमरे दे विच या गड्डी दे उपर या मोबाइल दे उरे भगत सिंह दी फोटो लगी भी, समझ लो ये बंदा कम दा है, उहदी सोच सही है। भगत सिंह नू देखना पएगा, नौजवानों नू उहदी सोच नू देखना पएगा। क्रांति लियाउणी पएगी देश दे विच और सूबे दे विच। ते इस तरह दे जिहड़ी करप्शन है, गलत काम है, पुठे तरीके नाल हर काम कराउणा चाहुंदा हर कोई, सीधे तरीके नाल कराउणा नहीं चाहुंदा, लाइन च कोई लगना नहीं चाहुंदा। वो कहिंदा जी मैनूं इधर कढ के सब ते मूहरे खड़ा कर दो, बस ये सोच है। फिर मैं VIP है, क्या करना VIP यार, मेरे ला आले दुआले। मैं जिद्दण मुख्यमंत्री बनिया मैं यार कित्थे फस गया, मैं इन्नी जनता पिछे, इन्नी जनता अगे, इन्नी गड्डियां अगे पिछे, मैं यार इन्हों हटाओ यार मेरे आले दुआले, तो मैं आजाद बंदा, मैनू किने मारना, क्या दसो मैनू मार के किसी क्या मिलना। लेकिन तुसी पता तुहानू किन्नी सिक्योरिटी है मेरी, 1000 बंदा मेरी सिक्योरिटी पर, 200 गड्डियां मैनू दे दियां, मेरे तो कमरे कमरे जिड्डियां गड्डियां बल इन्हें बादलों ने खरीदिया हुई। मैं हुणे आया, कमरे जिड्डी गड्डी है 2 करोड़ रुपए की, कहिंदे उहदी वो यार गरीबां पर ला देंदे पैसा। उइयों 8 गड्डियां मेरे अगे पिछे फिर दियां। मैं अपने सैकटरी साहब राहुल तिवाड़ी जी बैठे, मैं इन्हों रास्ते कह रहा सी, मैं क्या सिक्योरिटी का क्या बनया, कहदे वास्ते 1000 बंदा पिछे घुमाया होया। कहिंदे जी इंटैलीजेंस वाले कहिंदे भी असीं नहीं कट कर सकते, जे कल नूं कोई गल हो जाए। मैं क्या यार जे कल कोई होगी तो मैं जिम्मेवार हैं, भेजो इन्हां नूं। क्या करना 1000 बंदा, 5-7-10 बंदे चलो ठीक है, कई जगह लोग भी ज़्यादा अगे नूं आ जाते कि मिलना ही जरूर है, मिलना जरूर है, थोड़ा तरीके नाल उन्हां नूं सैट कर देणगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिंबल बन गया एक कि जी गनमैन इन्ने ज़्यादा पिछे। हुण मैं सुखबीर बादल थोड़ो यार भी मैं दिखाना कि जी एड्डी बड़ी कानवाई आ रही है, क्योंकि लोगों के पिछे लगती नहीं, वो इन्हों की लाई फिरी जाते हैं, पब्लिक उन्होंने नाल तुरने को तैयार नहीं। वो कहिंदे चलो यही 1000 बंदा पिछे सिक्योरिटी देना, पर पिछे तोर लो। इस करके नौजवान वीरो ये समझ लो थोड़ा भरा मुख्यमंत्री है, तो थोनू एडजस्ट करना है। ये समझ लो कि जिन्नी क समर्था नौकरियां दी पंजाब सरकार कोल है, उन्नी तो मैं 4 महीनों च भर देनी। मैं अज इन्हां नूं कहा भी 1,00,000 नौकरी होर कढ़ो। आ तुसीं देखो पिछे मेरी इन्नी लड़ाई हुई, हुण 1 मंत्री दी जिन्नी कैबिनेट चलदी उन्नी क चलेगी ना। कहिंदे जी क्लास डी दियां नौकरियां आउटसोर्स करनियां, मैं कहा भी क्लास डी दियां कहते करनियां, फिर क्लास ए दियां भी कर लो। क्लास डी दे विच हुण गरीब है भर्ती हुंदा 84, होर तां किसे ने लगना नहीं, ड्राइवर टैक्नीशियन जिन्ने क्लास डी दे विच है। वो मेरे डायरेक्टर बैठे, मैं इन्हां दी फाइल पर लिख के भेजिया भी नहीं इस तरह हो सकता, हुण मैं कर देना। हुण मेरे पास आ गई वो कल, क्लास डी दे भी रेगूलर भर्ती होणगे, वो कि उन्हां वो कितें होर ते आए है, वो कहते नहीं पढ़ सकते भाई। या फिर ए क्लास वालों भी आउटसोर्स कर लो, बी वाले भी आउटसोर्स कर लो। अफसर तो लगेगा पक्की तनखाह पर 2.25 लाख रुपया, जिदी 11,000 तनखा है वो आउटसोर्स पर लगेगा सारी उम्र, उपर तो तलवार लटकती रही है कि जी अज कढ़ दवें अज कढ़ दवें, क्योंकि नौकर तो आउटसोर्स है या कॉन्ट्रैक्ट ते है। 84 कोई आम चीज़ नहीं है, टैक्नीशियन ड्राइवर कोई आम चीज़ नहीं है, ये भी असी उहदे परे भरने हैं, रेगूलर भरने जिस तरह दूसरे भरते। सो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले गया कुछ, थोड़ा बहुत धन्यवाद, परमात्मा थोनू तरक्कियां बख्शे। अंबेडकर जी की सोच उन्हां दे दस्से हुए रास्ते ते असीं चलीए।
हिंदू संविधान के हिंदुस्तान के संविधान को तकड़ा रखिए, देश दे विच निष्ठा रखिए, देश दे विच एकता बनी रहे। कोई साढ़े वालों झाकदा नहीं, कोई पाकिस्तान साढ़ा बैरी नहीं बन सकता जे असी आप कट्ठे रहांगे। इस करके एकता रहो रखो, तकड़े होकर देश नूं अगे लिजाण लई नौजवान अगे आवे ते आपां सारे अपने सूबे नूं इन्ना वधिया बना दिए कि लोग कहण भी ए पंजाब करां की सिफत तेरी, शाना दे सब समान तेरे। बहुत धन्यवाद।